मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात से जुड़े हर मुद्दे दिखा रहे हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जाट के सीसवाना में, और यहां ऑन रोड के सहारे ये नौजवान जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये देश का भविष्य है जो अलग अलग फील्ड में जा कर के देश की तरक्की के लिए एक अहम भागीदार होता है, और देश की तरक्की में ये लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। दरअसल ये नौजवान आप देख रहे हैं ये मेवात से ताल्लुक़ रखते हैं, यही वो नौजवान हैं जो देश के इतिहास के लिए, देश के विकास के लिए और देश के लिए जो लड़ते हैं, जो सेना पर जो आप सेना देखते हैं, दरअसल वो यहीं से गुजर के जाती है। यही लोग बॉर्डर पे जाकर के, सीमा पार जाकर के अपने देश की सुरक्षा करते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं। दरअसल इनके लिए कितना जुनून है यह देखने लायक है। ये नौजवान एक ही गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाए ये लगातार किस तरीके से कड़ी मेहनत करके ये पूरे तरीके से देश के लिए लड़ना चाहते हैं और देश के लिए ये लोग सेवा देना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए जूम करके, ये देखिए आप नज़ारा। दरअसल टायर पीछे बांध करके ये पूरे तरीके से मेहनत करते हैं, तब जा करके इनका सिलेक्शन होता है। दरअसल ये जो सेना आप देख रहे हैं, ये जो आप टुकड़ी देख रहे हैं नौजवानों की, दरअसल ये एक मेवात का एक गांव है जाट का सीसवाना। हर भर्ती से यहाँ कहीं ना कहीं, और जो सेना में जो भर्तियाँ होती हैं, इन बच्चों का सिलेक्शन होता है। टैलेंट देखने लायक है और इनके हुनर के लिए, इनकी मेहनत के लिए सलाम है, क्योंकि यही वो नौजवान है। इनके अंदर बुलंद मर्तबा देखने को मिलता है, इनके अंदर एक ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा है जो कहीं ना कहीं मेवात में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यही वो नौजवान हैं जो देश के लिए अपना नाम रोशन करते हैं। नौजवानों से बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है, किस तरीके से कड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं। जी भाईजान, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जी मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? काफ़ी, मुझको एक साल हो गई है। एक साल हो गया आपको? अच्छा, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जब आप तैयारी करते हैं, जब आप रेस करने के लिए जाते हैं, तो आपके लिए ग्राउंड वगैरह उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है? जी, हमने सरपंच से कई बार बोला, हमारे पास ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, इस रोड पर, बड़े रोड पर, हाईवे पर रेस लगानी पड़ती है, और तो काफ़ी बार हादसा भी हो चुका है कई बच्चों के साथ। ये लड़का है कहाँ पे, जितेश नाम का, उसको बाइक से टक्कर भी मार रखी है इसको। जी हाँ जी, देखो ये यहाँ पे चोट लगी हुई है, और सरपंच साहब ने कई बार बोला है हमारे यहाँ पे 2 किलो का ग्राउंड है, इसकी बाउंड्री करवा दे और थोड़ा सा ट्रैक बनवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, क्या कौन सी तैयारी, नाम क्या है आपका पहले? मेरा नाम लोकेश है। लोकेश जी, किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की तैयारी, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? हो गई लगभग साल भर हो गई। साल भर हो गई, अच्छा। अब एक दो बार आपने ट्राई किया है कहीं? हाँ ट्राई किया, एक बार क्या रहा? उसमें नंबर नहीं पड़ा। अच्छा, सिलेक्शन नहीं हो पाया? सिलेक्शन नहीं हो पाया। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो आपके गांव से, जो आर्मी की, इंडियन आर्मी की, नेवी की जो तैयारी कर रहे हैं? हमारे गांव में लगभग कम से कम 50-60 बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 50-60 बच्चे, मतलब इसी फील्ड की तैयारी करते हैं? हाँ, इसी फील्ड की तैयारी करते हैं, और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नेवी वगैरह सब चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जुनून देखने लायक है। दरअसल ये सारे बच्चे मेहनत करते हैं, रेस लगाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या और इशू ये है कि लोगों को यहाँ स्टेडियम की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और भी हमारे साथ नौजवान हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी भाईजान, एक बात और बताइए मेरे को कि जिस तरीके से जुनून आपके अंदर है, कहीं ना कहीं मेवात में कहीं नौजवानों के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल और है आपसे कि जो भी भर्तियां होती हैं, आपके गांव के कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? जो हमारा एक छोटा सा गांव है, 100-150 घर है इसके अंदर, एक हमारे भाई, दो गांवों के एक पंचायत है, जाटकर सिसवाणा। अभी इस भर्ती में हमारा इधर से एक लड़का सिसवाणा से लगा, एक हमारे गांव से लगा है, और काफ़ी भर्ती हो चुकी है, उसमें 2-3 बच्चों का सिलेक्शन होता है। हर भर्ती में इस गाँव से लोग हर भर्ती में लगते हैं इस गाँव से, दोनों गाँवों से। काफ़ी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। कब से कब तक आपका शेड्यूल होता है, आप जब आप मेहनत कर रहे हैं? मॉर्निंग सुबह 4 से 6 बजे तक, और शाम को 5 से 6-7, ऐसा 2-3 घंटा। अच्छा, कंटिन्यू करते हो? हाँ जी कंटिन्यू। अच्छा, बड़कली ये फिरोजपुर हाईवे पे करते हो आप? हाँ जी, बड़े हाईवे पे करते हैं। तो ये हमारे जिला पार्षद है कि इन्हें कई बार फार्म भर चुके हैं, तो ये हार चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा अब के जिताने का कुछ प्रयास किया जाए तो कुछ हमारे लिए अच्छे कार्य करेंगे। वैसे भी हमारा ध्यान रखते हैं, कुछ अच्छे कार्य करते हैं हमारे लिए, और कई बार भी इन्होंने हमारे लिए योगदान दिया है, जैसी भी ज़रूरत पड़ी है, जो भी सब चीज़ का ध्यान रखते हैं हमारे।
अच्छा जो बीच बीच में आते हैं हमारे पास ऐसे कोई। अच्छा, सरपंच से जब आपने स्टेडियम के लिए बोला तो क्या बोलता है वो? सरपंच तो मना करता है जी, बिल्कुल क्लियर कट नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। उसका नाम क्या है? रेखा है जी, रेखा सरपंच। अच्छा, महिला है जी, बाल की। जी देखिए साहब, दरअसल ये जाट का सिसवाना के नौजवान है और ये जो कड़ी मशक्कत और मेहनत करते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुनून इनके अंदर जो देखने को मिल रहा है। कैमरा मैन को एक बार फिर से दिखाए, ये नौजवान दरअसल पूरी मेहनत और मशक्कत करके यहाँ पूरे तरीके से। भाईजान आपसे बात करना चाहेंगे थोड़े, कितने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं? कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं आप? दो तीन साल से मेहनत कर रहे हैं। कौन सी, किसकी मेहनत कर रहे हैं? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए आपने ट्राई भी किया है? कितने किलोमीटर की रेस लगाते हैं आप? पाँच किलोमीटर की रेस लगाते हैं। अच्छा, इस टायर को आप लेकर के रेस लगा रहे हैं, कितने किलोमीटर लेकर के चलते हैं इसको? दो किलोमीटर हर रोज का काम है आपका कंटिन्यू? इतना टैलेंट और जुनून और इतना कहाँ से मिलता है आपके अंदर, एनर्जी कहाँ से आती है? घर के वजह से। अच्छा, गांव से नए नए लड़कों का सिलेक्शन भी होता है सेना में, उसकी वजह से आपका मनोबल बढ़ता है। अच्छा, इस गांव में क्रेज है लड़कों के बीच में? क्रेज है जी। जी देखिए साहब, दरअसल ये नौजवान है, ये पूरी टुकड़ी है, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाए, इनके अंदर जुनून देखने लायक है। ये देखिए आप नज़ारा, दरअसल ये शाम का वक्त है और ये दिल्ली अलवर हाईवे का नज़ारा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके जुनून को, इनकी जो परे हैं उनको पूरे तरीके से उड़ान नहीं मिल पा रही है। वजह है स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है, और फिर भी उसके बावजूद देखिए ऑन रोड पर ये पूरे तरीके से मेहनत करते हैं, जुनून देखने लायक है और पूरे तरीके से इनकी मेहनत को सलाम किया जा सकता है। ये 50-60 नौजवान हर रोज़ इसी रोड पर मेहनत करते हैं, रेस करते हैं और आर्मी नेवी अलग अलग फील्ड की जो सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं। मेरी शासन प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ यही गुहार है कि इन नौजवानों को मनोबल को घटने नहीं दिया जाए, इनको स्टेडियम की सुविधा प्रोवाइड की जाए और पूरे तरीके से सरकार को इस पर मामले पर संज्ञान में लेते हुए इन पर इनकी जो मांगे हैं स्टेडियम की और रेस ट्रैक की, उसको कहीं ना कहीं सरकार अमल में ला करके इनको वो सुविधा उपलब्ध करवाए। ये मेरी मांग है, हमारी डीटी न्यूज़ की टीम के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं। ये नौजवान दरअसल हर रोज़ का इनका यही मामूल है और पूरे तरीके से मेहनत करते हैं। हम आपको लगातार ऐसी अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई समस्या है इलाके में तो आप हमारी डीटी न्यूज़ की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए आपके साथ हर संभव खड़ा रहेगा डीटी न्यूज़ चैनल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।